हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC के द्वारा आज एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में दो बातों की पुष्टि आयोग के द्वारा की गई। पहली बात नोटिस नंबर 01/2019 से संबंधित है और दूसरी बिहार SI की न्यू वैकेंसी से संबंधित है, जो कि बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे लोग जो 2019 का फॉर्म नहीं फिल कर पाए या फॉर्म तो फिल किया परंतु त्रुटिवश आयोग ने उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, या फिर फॉर्म भरे हो और किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं दे पाए, या एग्ज़ाम तो दिया हो और PT क्वालिफाई ना कर पाए हो, या फिर अन्य किसी भी कारण से वह एग्ज़ाम से वंचित रह गए, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है। वह अपने सपने को फिर से साकार कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी के लिए आइए हम नोटिस पे चलते हैं जो आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इस नोटिस के पहले पैराग्राफ में आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2019 के बारे में बताया गया है कि उन्होंने एग्ज़ाम लिया और एग्ज़ाम का प्रतिफल उन्होंने इस तारीख को जारी किया है। इस नोटिस के दूसरे पैराग्राफ में आयोग के द्वारा यह बताया जा रहा है कि उनके ऊपर धांधली का गलत आरोप लगाया जा रहा है, जो कि निराधार है और गैर जिम्मेदाराना आरोप है। यानी कि आयोग अपना पल्ला झाड़ चुका है। वह मेंस का एग्ज़ाम अपने निर्धारित समय अप्रैल में लेने वाला है। इस नोटिस का सबसे खास और सबसे इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ नंबर 3 है, जिसमें अपकमिंग एग्ज़ाम बिहार SI और जो एग्ज़ाम विज्ञापन संख्या 19/2019 का है उससे संबंधित है। आयोग यह बता रहा है कि वह एग्ज़ाम की सारी प्रक्रियाएं अगस्त 2020 तक पूरी करेगा। विज्ञापन संख्या 01/2019 की सभी प्रक्रियाएं वह अगस्त 2020 तक पूरी करेगा और जो अपकमिंग एग्ज़ाम है बिहार SI का, उसकी सारी प्रक्रियाएं वह जून 2021 तक पूरा करेगा। और यह नोटिस विशेष कार्य पदाधिकारी यानी कि OSD के द्वारा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार पटना से जारी किया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि अब हम नए एग्ज़ाम की बात करें, बिहार SI की न्यू वैकेंसी की बात करें, तो यह रिज़ल्ट का फाइनल जून 2021 में करवाने वाले हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि जो फॉर्म का नोटिफिकेशन है वह आप ऐसा मान लें कि जून नहीं तो जुलाई अगस्त के जुलाई या फिर अगस्त के आसपास आने वाला है। इसका कारण यह है, हम इसको पिछले वाले फॉर्म से कोरिलेट करके देख सकते हैं। पिछला फॉर्म जो विज्ञापन संख्या 01/2019 का है, यह फॉर्म अगस्त में आया था और इसका फाइनल रिज़ल्ट ये अगस्त में 2020 में देने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि यह फॉर्म भी, इस फॉर्म का भी नोटिस एक साल के लगभग आसपास ही आने वाला है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं जुलाई अगस्त या सितंबर इस फॉर्म का नोटिफिकेशन का डेट होगा और फॉर्म भरा जाएगा आपके जुलाई अगस्त या फिर सितंबर से भरा जा सकता है। बिहार SI से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। बिहार और झारखंड से संबंधित गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन और प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।